हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल राम राम जी सारा ने। और आज लेके आई हूँ मैं एक स्वीट डिश जो कि सूजी से बनाऊंगी स्पंजी केक, टूटी फ्रूटी केक। आओ बनाते हैं। सबसे पहले लेंगे हम 3/4 कप सूजी। सूजी आप कोई भी ले सकते हो, बारीक मोटी कोई भी जो आपके पास अवेलेबल हो। इसके साथ ही लेंगे हम लगभग 1/4 कप दही। इसके साथ ही 1/4 दूध और इसको मिक्स कर लेंगे। ये मैंने मिक्स कर दिया है इसके अंदर अच्छे से और अब हम इसको ढक के रख देंगे लगभग 10 से 12 मिनट के लिए। अब लगभग इसको 10 से 12 मिनट हो गए हैं और हमारी सूजी फूल गई है। अब इसके अंदर डालेंगे हम 2 चम्मच मैदा। इसके साथ ही डालेंगे हम कलर और फ्लेवर के लिए कस्टर्ड पाउडर 1 चम्मच। आप इसको स्किप भी कर सकते हो और डाल भी सकते हो। अब इसके अंदर डालेंगे हम चीनी, 3/4 कप चीनी। आप पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हो। अगर पिसी हुई डालोगे तो 1 कप डालेंगे। इसके साथ ही डालेंगे 1/4 कप ऑयल। आप कोई भी तेल ले सकते हो और इनको मिक्स कर लेंगे। अब ये मैंने सारा मिक्स कर दिया है। अब इसको लेंगे हम मिक्सी के पॉट के अंदर डालेंगे। अच्छे से सारा पोंछ के डाल देंगे। इसके साथ ही डालेंगे इसके अंदर 1/4 कप दूध। दोबारा से थोड़ा बचा लेंगे और बंद करके 30 सेकंड के लिए इसको मिक्सी में घुमा देंगे। अब हम इसके अंदर ये बचा हुआ दूध डाल के दोबारा से 30 सेकंड के लिए चला लेंगे। अब ये हमारा बैटर रेडी हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 स्पून बेकिंग पाउडर और इसके साथ ही खाने वाला सोडा, ये भी 1/4 स्पून और इसको मिक्स करेंगे। इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे, बस ये इसके अंदर मिल जाए इतना ही। और इसमें लाल, पीला, हरा तीनों कलर हैं और ये 1/4 स्पून मैदा है। इसको इसके अंदर डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से ये केक के अंदर डालूंगी तो नीचे नहीं बैठेंगी, ऊपर ही रहेंगी। अब आधी टूटी फ्रूटी हम इसके अंदर डाल देंगे और आधी को रख लेंगे अलग से। इसको मिक्स कर देते हैं। अब हम लेंगे ये केक टिन और इसके अंदर ऑयल लगा लेंगे। अच्छे से फैला देंगे सारे में। इसके अंदर ये बैटर डाल देंगे। ये मैंने बैटर डाल दिया टीन में और ये मैंने नमक रख दिया था इसमें पहले ही, 1 कटोरी नमक डाला है और गर्म होने के लिए। अब इसके अंदर लगा दिया मैंने ये स्टैंड और इसके साथ ही हम इसको अंदर रख देंगे। और अब इसके ऊपर डालेंगे हम टूटी फ्रूटी। और मीडियम आंच पे इसको लगभग पहले 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। इसको हम ढक देते हैं 5 मिनट मीडियम आंच, 5 मिनट फुल आंच। अब ये मैंने ले लिया है पहले 1 कटोरा, उसके अंदर डाल ली मैंने आइस क्यूब, उसके अंदर रख दिया ये बाउल और अब इसके अंदर डालूंगी ये व्हिप क्रीम का पाउडर और एकदम चिल्ड पानी लेंगे लगभग 100 ml और इसके अंदर डालेंगे हम आधा पहले
फिर आधे को बचा के रख लेते हैं और इसको इसके सारे मिक्स कर लेंगे, लगातार मिक्स करते रहें। अब इस बचे हुए पानी को भी हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको लगभग 5 मिनट तक चलाते रहेंगे। अब इसको लगभग 25 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। क्लीन है, टूथपिक एकदम क्लीन है। ये हमारा केक रेडी हो चुका है। अगर इस पर चिपक के आए तो इसका मतलब केक रेडी नहीं है, थोड़ी देर और पकेगा। अब इस पर नहीं लगा हुआ तो केक रेडी है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं पहले, फिर पलटेंगे इसको। अब लगभग 5 मिनट हो गया हमें इसको मिक्स करते हुए। अब ये हमारी विप क्रीम रेडी है, ये बन चुकी है। अब इसको हम एक पाउच के अंदर डाल लेंगे। अब हमारा ये केक ठंडा हो गया है, अब हम इसको पलट लेते हैं। पहले हम प्लेट इसको ऐसे लगाएंगे, इसको थोड़ा थपथपा लेंगे। और ये हमारा केक रेडी है। अब इसको हम कर लेते हैं सीधा और इसकी बीच में से कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको बीचों बीच से कटिंग कर देंगे। अब हमने ये कटिंग कर लिया है, ये ऊपरी हिस्सा है, ये नीचे दो हिस्से में डिवाइड कर दिया। अब हम इसके ऊपर व्हिप्ड क्रीम लगाएंगे। अब मैंने ये व्हिप्ड क्रीम पॉली बैग में डाल ली है और इसके ऊपर हम फैला देंगे इक्वली। अब हमने ये व्हिप्ड क्रीम पॉली बैग में डाल ली है और इसको हम केक को अच्छे से कवर कर देंगे इससे। अब मैंने ये व्हिप क्रीम से कवर कर दिया है, इसके ऊपर हम इसका ऊपरी हिस्सा रख देंगे, इसके ऊपर रख देंगे और इसके चारों तरफ भी हम क्रीम लगा देंगे। अब मैंने इस पे क्रीम लगा दी है और इसको हम फ्रीजर में रख देंगे ठंडा होना, और उसके बाद ये एक्स्ट्रा क्रीम है इसको हटा देंगे। अब हमारा ये वेनिला टूटी फ्रूटी केक बनकर रेडी हो गया है। और आप भी बनाना मेरी रेसिपी देखकर और बताना कमेंट में कैसा बनता है आपका, और लाइक करना मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।